संघर्ष में व्यक्ति हमेशा अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। और अकेला रहना कई गुना बेहतर है बजाय उनके साथ रहना जो आपकी कदर नहीं करते। नमस्कार, मैं सोनम आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल संदीप उसने मोटिवेशनल कोच पर। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो ये कहानी है एक पिताजी और उसके बच्चे की। उस बच्चे ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरे जीवन की कीमत क्या है। तो उस पर पिताजी मुस्कुराए और बोले कि बेटा अगर तुम सच में अपने लाइफ की वैल्यू जानना चाहते हो तो तुम मेरा एक काम करो और फिर तुम स्वयं जान जाओगे कि तुम्हारे जीवन की वैल्यू क्या है। तो बच्चा बोला कि पिताजी मैं तैयार हूँ। इस पर पिताजी ने उस बच्चे को एक साधारण सा पत्थर दिया और कहा कि बेटा तुम इसे मार्केट में लेकर जाओ और तुम्हें वहां पर जो भी इस पत्थर की प्राइस पूछे तो तुम उसे कुछ मत कहना, बस अपनी दो अंगुली ऊपर कर देना। तो वह बच्चा इस पत्थर को लेकर मार्केट में गया और वहां पर एक औरत ने उस बच्चे को उस पत्थर की वैल्यू पूछी। तो इस पर बच्चा कुछ नहीं बोला और उसने अपनी दो अंगुली ऊपर कर दी। तो उस औरत ने उस बच्चे को कहा कि 200 रुपए, चलो मैं तुम्हें 200 रुपए देती हूँ और तुम मुझे यह पत्थर दे दो। वह बच्चा उस पत्थर को देकर अपने घर आ गया और अपने पिताजी को सारी बात बताई। तो इस पर पिताजी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक और जगह भेजता हूँ। पिताजी ने उस बेटे को एक और साधारण सा पत्थर दिया और बोला कि इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाओ और वहां तुम्हें इसकी प्राइस पूछे तो फिर से कुछ मत बोलना और अपनी दो अंगुली ऊपर कर देना। वह बच्चा उस पत्थर को लेकर एक म्यूजियम में गया और वहां पर पत्थर लेकर खड़ा हो गया। तभी एक व्यक्ति ने उस बच्चे से उस पत्थर की कीमत पूछी। तो बच्चा कुछ नहीं बोला और अपनी दो अंगुली ऊपर कर दी। तो इस पर व्यक्ति बोला कि 20,000 रुपए, ये लो मैं तुम्हें 20,000 रुपए देता हूँ और मुझे ये पत्थर दे दो। उस बच्चे ने उस व्यक्ति को पत्थर दे दिया और अपने घर आ गया और फिर से अपने पिताजी को सारी बात बताई। तो इस पर पिताजी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक आखिरी जगह और भेजता हूँ। और पिताजी ने उस बच्चे को एक सेम वैसा ही पत्थर देकर बोला कि इस बार तुम इस पत्थर को कीमती पत्थरों वाली दुकान में लेकर जाओ और वहां तुम्हें इसकी प्राइस पूछे तो फिर से कुछ मत बोलना, बस अपनी दो अंगुली ऊपर कर देना। और वह बच्चा उस पत्थर को लेकर कीमती पत्थरों वाली दुकान पर गया और दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। दुकानदार ने उस बच्चे के हाथ में वह पत्थर देखा और दौड़ा दौड़ा बाहर आया और उस बच्चे से वह पत्थर छुड़ा लिया और बोला कि इस पत्थर की मैं तलाश कब से कर रहा था, मुझे यह पत्थर चाहिए, इसकी कीमत क्या है। इस पर उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और अपनी दो अंगुली ऊपर कर दी कि 2 लाख, ये लो 2 लाख रुपए और मुझे यह पत्थर दे दो। और उस बच्चे ने उस पत्थर को दुकानदार को दे दिया और अपने घर आ गया। घर आकर पिताजी को सारी बात बताई। तो पिताजी ने कहा कि बेटा समझे कि तुम्हारी लाइफ की वैल्यू क्या है। लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 2 लाख रुपए का पत्थर बनना है या फिर 200 रुपए का पत्थर। आपके जीवन की कीमत पर आपकी संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। यदि आपकी संगति अच्छी है तो आपके जीवन की कीमत बहुत ऊंची है, और यदि आपकी संगति अच्छी नहीं है तो आपके जीवन की कीमत कुछ भी नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आपसे बहुत सी उम्मीदें रखते हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हो। लेकिन जो लोग आपको एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। अपनी लाइफ की वैल्यू कभी गिरने मत दो। इसके लिए चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों ना रहना पड़े, क्योंकि अकेला रहना कई गुना बेहतर है बजाय उनके साथ रहना जो आपकी कदर नहीं करते। जिंदगी में अक्सर वही लोग सफल होते हैं जो अकेला चलना पसंद करते हैं, क्योंकि भीड़ में चलने पर अपनी रफ्तार भीड़ की रफ्तार के बराबर हो जाती है, लेकिन अकेले चलने पर हमारी रफ्तार हमारे हाथ में होती है। इसलिए अपनी जिंदगी को
किसी के लिए दो कौड़ी की वस्तु बनाकर मत छोड़ो, खुद को किसी के मनोरंजन की चीज बनाकर मत छोड़ो। यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, अपने जीवन की कीमत बढ़ानी होगी। अंत में एक मोटिवेशनल क्वोट्स के साथ वीडियो को पूरा करना चाहूंगी कि अक्सर अकेलेपन से वही लोग गुजरते हैं जो अपनी जिंदगी में सही फैसलों को चुनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।